14 है, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं, 30 आदमी इस काम से दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। सबसे जरूरी चीज में ध्यान देंगे, जो ये प्रश्न है आपका प्रश्न 9, 10, 11 जैसे बने, लेकिन इसमें क्या बोला है, देखिए 30 आदमी इस काम के दो गुने काम, इसमें एक्स्ट्रा में क्या दे दिया है, दो गुना दे दिया है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे दो गुना जिसमें बोलेगा उसमें। तो सबसे पहले वैसे लिखेंगे सेम, यहाँ पर देखिए किसी काम को प्रश्न में लिखना है, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं, 25 दिन के बाद ऐसे लिखेंगे 25 दिन अर्थात क्या करते हैं, दिन और घंटे का गुणा, मतलब 8 घंटा और 25 दिन का गुणा, मतलब 8 × 25 तो कितना हो जाएगा, 25 × 100 और 25 × 8 कितना हो जाएगा, 200 घंटे में पूर्ण करते हैं, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे भी थोड़ा ध्यान देंगे, 30 आदमी इस काम से दुगने काम, यहाँ पर ध्यान देंगे 30 आदमी इस काम से दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन अर्थात, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपको दिन और घंटे का गुणा करना है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए इस काम से दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण करेंगे, 10 घंटे प्रतिदिन करके माना एक्स दिन में, माना दिन को क्या मान लेंगे, एक्स दिन, अर्थात क्या हो जाएगा, दिन और घंटे का गुणा, एक्स दिन और 10 घंटे, तो क्या होगा 10 × 1 ऐसे होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे प्रश्न में क्या बोला है, दो गुना बोला है, यहां पर ध्यान देंगे, तो जिसमें दो गुना बोलेगा उसमें 1/2 का गुणा कर देगा। अब क्यों कर रहे हैं इसको बता रहा हूं, वैसे दिन और घंटे का गुणा करते हैं तो 10 और 1 का गुणा कर दिए, दो गुना बोला है तो गुना मतलब तो वैसे 2 का गुणा होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 का गुणा कर रहा हूं, तो यहां पर ध्यान देंगे क्यों गुणा कर रहा हूं, तो इसका ये हो जाएगा, देखिए इसलिए इसमें गुणा कर रहा हूं 1/2 का, कि प्रश्न बोल रहा है जो पहला वाला क्या कर रहा है, मान लीजिए ये वाला, ये 48 मजदूर जो है ये 1 घर बना रहे हैं समझ लीजिए, अब ये वाला जो 30 आदमी है 30 मजदूर, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग समझ लीजिए 2 घर बना रहे हैं, ये लोग दो गुना बोल रहे हैं ना, तो मान लीजिए 1 घर बना रहे हैं, ये कितना घर बना रहे हैं, 2 घर बना रहे हैं, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ये जो 48 मजदूर है पहला वाला 48 मजदूर, मान लो घर इतना ही बड़ा है सेम, तो ये 48 मजदूर इस घर को बना रहे हैं और इतना ही बड़ा घर ये 30 आदमी 2 बना रहे हैं, ऐसे इसी घर को क्या कर रहे हैं, 2 घर बना रहे हैं, मान लीजिए ध्यान देंगे ना, सेम इतना ही बड़ा घर ये 30 आदमी मिलकर बना रहे हैं, अब आदमी है 30, तो आदमी है 30 लेकिन घर इसी साइज का ना सेम 2 बना रहे हैं, तो उनको अपना समय क्या करना पड़ेगा, दोनों में आधा आधा देना पड़ेगा,
क्लियर हुआ। तो दोनों में क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए क्या बोला, इसमें 10 घंटा प्रतिदिन बोला है, तो प्रतिदिन 10 घंटा बोला है, तो चूंकि ये लोग दो ठो घर बना रहे हैं वैसी वैसी, तो दोनों को अपना समय आधा आधा देना पड़ेगा। क्लियर हुआ, जैसे 10 घंटा पर डे है तो 5 घंटा इसमें 5 घंटा इसमें, क्लियर हुआ। तो इसीलिए क्या 10 आधा आधा समय कर रहे हैं, तो इसीलिए 10 में किसका गुणा कर रहे हैं, 1/2 का गुणा कर रहे हैं, बात समझ में आया। क्योंकि वो लोग जो अपना समय देंगे आधा समय इसमें देंगे और आधा समय इसमें देंगे, अगर 10 घंटा प्रतिदिन कर रहे हैं तो 5 घंटा इसमें और 5 घंटा इसमें देंगे, तो आखिर 10 में 1/2 का गुणा करेंगे तब क्या आएगा, 5 आएगा। तो बात समझ में आया, दो गुना वाले में याद रखना है आपको, बात समझ में ना आए तो दो गुना वाले में क्या करेंगे, जो दिन और घंटे का गुणा करेंगे उसमें 1/2 का गुणा कर देंगे। क्लियर हुआ, तो अभी क्या हो जाएगा, देखिए 10 और 1 से गुणा करेंगे, 10x और 2 को उसमें भाग देंगे, 2 × 5 = 10, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5x घंटे में पूर्ण कर लेंगे। अब ये हो जाएगा, अब बताया था ये वैसे घर बनाने वाला है, तो इसमें क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती नियम इसमें लगाना है, ये हो जाएगा आपका व्युत्क्रमानुपाती नियम से क्या होगा, मजदूर और एक बार आदमी दिया है, वैसे मजदूर अनुपात मजदूर इसमें लिख सकते हैं, मजदूरों की संख्या अनुपात मजदूरों की संख्या समानुपात समय घंटे में, समय घंटे में अनुपात समय घंटे में। तो देखिए मजदूरों की संख्या पहला वाला कितना है मजदूर, 48 मजदूर है, क्लियर हुआ, तो पहला वाला मजदूर को लिखेंगे 48 अनुपात, दूसरा वाला मजदूर कितना है 30, आदमी लिखा है मतलब एक ही है, तो 48 अनुपात 30 समानुपात समय घंटे में, तो दूसरा वाला समय को लिखना क्या दिया है 5x, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x, फिर समय घंटे में, तो पहला वाला समय को लिखना है, पहला वाला समय कितना दिया है 200, ये 200 में हमेशा ध्यान देंगे, सबसे पहले पहला मजदूर को लिखेंगे, लेकिन जो पहला वाला समय है उसको हमेशा लास्ट में लिखेंगे, और जो दूसरा वाला मजदूर और दूसरा वाले समय को बीच में लिखेंगे, इसको आपको ध्यान देना है, इसको आगे पीछे नहीं करना है। अब देखिए यहां से कितना हो गया, 48 अनुपात मतलब बटा 30 इसके नीचे में आएगा, समानुपात मतलब बराबर, फिर 5x हो गया, अनुपात मतलब बटा 200 इसके नीचे में आएगा। अब यहां से आप अपने तरीके से इसको कटा सकते हैं, तो यहां से ऐसे अगर आप कटाएंगे तो ये 5 से कट जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा इस प्रकार, इसको कटाएंगे तो 5 × 5 5 × 24 5 × 0 = 0 इतना हो गया। अब ये हो जाएगा 40, ये हो गया आपका, यहां से इसको कटा सकते हैं आप, ये हो गया, चलिए 48 हो गया बटे 30 बराबर 1/40, 40 नीचे में है तो कहाँ जाएगा, ऊपर, पक्षांतर ठीक से करेंगे, नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो 48 × 40/30 बराबर 1, तो 0 0 कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका कितना बचा, 48 × 4/3 बराबर 1। अब 3 से 48 को भाग देंगे तो 3 के पहाड़ा में 48 आता है, इस प्रकार इसको भाग दे सकते हैं 3 से 48 को, देखिए 48 ये 3, 3 ने कम 3, 4 में 3 लिया 1, 8 उतारे 3 × 18 कितना आया 16, तो 3 से 48 को भाग देंगे कितना आएगा 16, कितना बच गया 16 × 4, तो 16 × 4 कितना होगा 64, 64 बराबर 1, तो जब आंक लिख देंगे 1 बराबर 64, 64 क्या है दिन है, क्योंकि हमने क्या माना था दिन माना था, ये क्या है इसका उत्तर है। यहाँ पर देखिए ये लिखे थे ना हम लोग, माना एक दिन, तो कितना दिन लगेगा हम लोग को 64 दिन लगेगा, क्योंकि वो लोग दो ठो घर बना रहे हैं, ठीक है, और जो 48 मजदूर था वो कितना घर बना रहा था, एक ठो घर बना रहा था, तो 64 दिन आएगा। यहाँ पर देख लीजिए 48 मजदूर है, इन लोगों को कितना दिन लगा था, 25 दिन लगा था, ठीक है, लेकिन इन लोगों को कितना दिन लग रहा है, ये आदमी 30 है लेकिन इनको कितना दिन लग रहा है,
64 दिन लग रहा है, क्योंकि ये लोग दो ठो घर बना रहे हैं इसलिए इसको दिन ज्यादा लग रहा है। क्लियर हुआ? तो दो गुना वाले में आपको ध्यान देना है, क्या करना है, समय और घंटा में 1/2 का उसमें गुणा कर देना है। देखिए प्रश्न 15वां सवाल है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में, तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो यहां पर सबसे पहले जो प्रश्न है उसको लिखेंगे, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ये प्रश्न कोई लिखा ये वाला, तब लिखेंगे इसलिए ए और बी की, ऐसे लिखेंगे ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता, अब ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1/24, ऐसा लिखना है आपको 1/24 भाग। अब 1/24 कैसे आया, जैसे ए और बी दो लोग हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर ये खेत है, यहाँ पर धान लगाने का काम करना है, ये तो जैसे यहाँ तो धान लगाते हैं, तो दो लोग हैं ए व बी, वो क्या करते हैं पूरे 24 दिन में इतना भाग में धान लगाते हैं 24 दिन में, तो एक ही दिन में नहीं कर रहे हैं, तो 24 दिन है इसको 24 भाग में ऐसे ऐसे बांटेंगे, 24 भाग करेंगे, तो पहला दिन में एक भाग करेंगे तो 24 कुल भाग कितना है 24, तो वो नीचे में रहता है और पहला दिन का पहला भाग मतलब एक दिन का क्या हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो हम एक दिन का निकाल रहे हैं वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो 1/24। तो ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं इसलिए 1/24, इसको लिख देंगे समीकरण 1। अब सेम प्रोसेस दोहराना है, क्या बोला है, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, फिर उसी लिखेंगे प्रश्न में बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में पूर्ण करते हैं इसलिए बी और सी की एक दिन की कार्य क्षमता, तो ये क्या हो जाएगा, 18 है तो ये क्या हो जाएगा 1/18 हो जाएगा, सेम वैसी ये हो गया आपका समीकरण 2। फिर सेम प्रोसेस देखिए, ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ इसको भी लिख लेंगे, बी और सी है तो बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 1/18 और सभी कर देंगे इसको 2। फिर लिखेंगे ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं, सब प्रश्न में लिखा है 12 दिन में पूर्ण करते हैं तभी हो जाएगा, इसलिए ए और सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/12, तो यह ए और सी है तो ए प्लस सी बराबर 1/12 समीकरण 3।
तो यहां पर दो दो लोग का बताया है कि ए और बी, बी और सी, ए और सी मिलकर करते हैं। फिर प्रश्न पूछा है ए अकेले, मतलब ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण एक, दो और तीन जो आया है उसको हम जोड़ देंगे। समीकरण एक, दो और तीन को जोड़ेंगे तो यहां से इधर वाला, ये जो लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ेंगे, राइट राइट को जोड़ेंगे। तो यहां से समीकरण एक प्लस दो प्लस तीन, यहां पर लिखेंगे समीकरण एक प्लस समीकरण दो प्लस समीकरण तीन। तो लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ेंगे तो लेफ्ट में एक बार है आपका ए प्लस बी, दूसरा में है बी प्लस सी, तीसरा में है ए प्लस सी। फिर इधर है आपका एक बार एक बटे चौबीस, दूसरा में है एक बटे अट्ठारह, फिर है एक बटे बारह। यहाँ आप ठीक से देख लेंगे, देख लीजिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, इसमें है एक बटे चौबीस, एक बटे अट्ठारह, एक बटे बारह। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए ए और ए, तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो ए होगा, बी और बी टू बी होगा, सी और सी टू सी होगा। इसको हल करेंगे, इसको आप एलसीएम निकाल के हल कर सकते हैं। तो इसको इस प्रकार हल करेंगे, जैसे ये हो जाएगा आपका, देखिए इसमें रफ कार्य में हल कर लेते हैं, एक बटे चौबीस प्लस एक बटे अट्ठारह प्लस एक बटे बारह। तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं आप, चौबीस अट्ठारह और बारह का एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा दो बारह चौबीस, दो नी अट्ठारह, दो छक्के बारह, दो छक्के बारह, दो पढ़ा नौ नहीं आता छोड़ देंगे, दो तिया छः, फिर दो से दो तिया छः, नौ और तीन को छोड़ देंगे, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, तीन एकम तीन, फिर से कितना हो जाएगा तीन एकम तीन। तो एक 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 आते तक इसको सॉल्व करते हैं, कितना है देखिए इसका गुणा होगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तिया चौबीस, चौबीस तिया अड़तालीस। क्लियर हुआ, इसको सीख लीजिए। तो ये हो गया इसका एलसीएम 48। अब इस 24 का भाग 48 में देंगे, तो 24 का भाग 48 में देंगे तो दो आएगा, 24 दूनी 48, ऐसे भाग देते हैं 24 दूनी 48, उत्तर कितना है दो। तो ये जो दो आया है उसका ऊपर में गुणा होता है, तो दो एकम दो। क्लियर हुआ, फिर इस 18 का भाग 48 में देंगे, इसमें ध्यान देंगे ये 48 नहीं होगा, 72 होगा। देखिए दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तिया चौबीस, चौबीस तिया 72 होता है। इसमें ध्यान देंगे ये होगा आपका 72, और 24 का भाग 72 में देंगे तो तीन आएगा, और तीन का गुणा एक में करेंगे तो तीन। वैसे ही 18 का भाग 72 में देंगे तो 18 चौ ये 72 होगा, तो चार आएगा इसमें, और चार का गुणा एक में करेंगे तो चार। वैसे ही 12 का भाग 72 में देंगे तो 12 छक्के 72 होता है, 6 का पूरा एक में करेंगे तो 6 होगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, तो 6 4 10, 10 3 13, ये जुड़ जाएगा तो 13 बटे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो उसको हम लिख लेंगे, कितना है आपका 3 प्लस 4 प्लस 6 बटे 72, 6 4 10 3 13 बटे 72। अब ध्यान से देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, दो, तो दो अलग कर देंगे, इसमें बचेगा ए, इसमें बचेगा बी और इसमें सी, बराबर 13 बटे 72। अब ये दो गुणा है तो भाग में, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 बटे 72, ये दो कहाँ आएगा इसके नीचे, गुणा है तो भाग में। क्लियर हुआ इतना, ये हो गया आपका 13, दो दुनी चार, दो सत्ते चौदह, कितना आया 13 बटे 144। इसको लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 बटे 144, इसको नाम दे देंगे समीकरण चार। अब ध्यान से देखिए प्रश्न बोला है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ध्यान हमको ए का निकालना है तो बी और सी को कटाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको किसमें समीकरण चार का को घटाएंगे, किससे घटाएंगे, जिसमें बी और सी होगा उससे घटाना, क्योंकि ए को पूछा है, ध्यान देंगे ना, क्योंकि हमको बी और सी को इसको कटाना है तो उसके लिए हमको बी और सी वाले में घटाना पड़ेगा समीकरण चार को।
क्लियर हुआ? तो यहां पर हो जाए, अगर उसमें पूछा जाता बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो आपको क्या करना पड़ता, ए और सी जिस समीकरण में है उससे घटाना पड़ता। तो समीकरण चार को हम घटाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, समीकरण चार माइनस किससे घटाएंगे, ए का निकालना है तो बी और सी रहेगा उसमें। तो यहां पर देखिए बी और सी किसमें है, बी प्लस सी है ना, किसमें है समीकरण दो में, तो इसी को घटाएंगे तो ये समीकरण दो लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका समीकरण दो। तो यहां पर समीकरण चार में पहले से क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, घटा रहे हैं किसको समीकरण दो में, तो यहां माइनस लिखेंगे और कोष्टक में लिखेंगे बी प्लस सी, इसमें पहले से क्या है 13/144 और घटा रहे हैं माइनस 1/18, समीकरण दो में है नहीं धन 1/18। अब यह हो गया ए प्लस बी प्लस सी, माइनस है इसलिए इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहां भी प्लस रहता है प्लस उल्टा माइनस, प्लस उल्टा माइनस। अब इसको फिर वैसे सॉल्व करेंगे जैसे बताया था एलसीएम निकाल के, या फिर तिरगुणा भी कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ये इसको सॉल्व करेंगे 13/144 माइनस 1/118, ये हो जाएगा 13/144 माइनस 1/18। 144 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे ये हो जाएगा आपका 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 18। अब ये हो जाएगा 9 से भी कर सकते हैं, 9 8 72, 9 एकम 9, 8 एकम 8। क्लियर? तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 और 18 8 होता है 144 एलसीएम आया। अब 144 का भाग 144 में देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 13 में करेंगे 13 एकम 13। 18 का भाग 144 में देंगे तो 18 अट्ठे 144 होते हैं, मतलब 8 आएगा और 8 एकम 8, तो 13-8/144 ये हो जाएगा आपका 13-8/144। कैसे आया समझ में आ गया होगा, और ऐसे समझ नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ इसको तिरगुणा कर सकते हैं ऐसे 13/144 माइनस 1/18, तो यहाँ तिरगुणा हो जाएगा ऐसे, फिर ऐसे होगा 13/18 माइनस फिर ऐसे होगा 144 एकम 144 बटे इन दोनों का गुणा होगा 144/18, फिर इसमें इन दोनों का गुणा करना है, फिर इससे घटाना है, फिर इसको कटाना है, तो आएगा ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, अब 13 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 5/144। यहाँ से देखिए माइनस बी प्लस बी कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया, क्या बच गया ए, ए बराबर 5/144 आया। तो ये क्या है एक दिन का है ना, हम लोग क्या निकाले थे एक दिन का, तो इसको जब हम पूरा निकालेंगे, ये तो अभी भाग है, कितना भाग काम कर रहा है, इसको उल्टा कर देंगे, ऐसे करेंगे इसको ए अकेले उस काम को, यहां पर लिखेंगे ए अकेले उस काम को पूर्ण करेगा, ए अकेले उस काम को, तो इसको उल्टा कर देंगे ना, क्योंकि ये एक दिन का है, हम लोग लिखे थे ना ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता, ये इसका एक दिन का काम है, तो एक दिन में वो इतना काम कर रहा है 5/144 काम, तो हमको कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो उसको निकालना है। 144 को कर देंगे उल्टा, अब 5 को 144 के ऊपर 5 को नीचे, तो 5 से अब 144 को भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका 144 है, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, ये 4 बचेगा, ये कट, ये 4, 5 अट्ठे 40, कितना बच गया 4। तो इसको आप लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका, नीचे में क्या था आपका, ध्यान से देखेंगे इसको लिखेंगे, नीचे में 5 है तो 5 रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं, नीचे में 5 है तो 5, जो भागफल आता है उसको बगल में लिखते हैं और शेषफल को ऊपर में, ये शेषफल है ना, तो 5 नीचे में है तो नीचे में रहेगा, भागफल को लिखते हैं बगल में यहाँ पर बीच में और 4 को ऊपर, तो ऐसे तिरगुणा होता है, 28 और 5 का गुणा करेंगे और 4 को जोड़ेंगे, तो 28 सही 4/5 दिन में पूरा करेगा, पूरा करेगा, ये क्या है इसका उत्तर है। क्लियर हुआ? तो ध्यान पूर्वक उसको बनाना है, ये लास्ट में ध्यान देंगे, जो भी चीज आएगा उसको उल्टा करना है, 144 के ऊपर 5 को नीचे, फिर उसको भाग देंगे और ऐसे सही के रूप में लिखेंगे, तो हम भाग फल, ये नीचे 5 है तो 5 और ऊपर में शेष फल।
ध्यानपूर्वक बनाएं, गणित बहुत ही सरल है, आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, पक्षांतर कैसे करते उस पर ध्यान देना है, कहां पर कट रहा है माइनस पर ध्यान देना है। जटा कटाह संभ्रम भ्रमं निलिंप निर्जय।